नमो राघवाय। जय मां भारती। मैं आचार्य पंडित धनंजय कुमार पांडे। आज हम एक विशेष चर्चा पे बैठे हैं। कई दिनों से एक तर्क देश बेचने की बातें, राष्ट्र को के युवाओं को बेरोजगार करने की बातें, साथ ही कुछ डिबेटों में इस 9-10 सालों में देश की स्थिति बहुत बिगड़ जाने की बातें कही जा रही थी। मैं अपना निज अनुभव बयां करूंगा, न किसी पार्टी का पक्षधर हूं, न किसी नेता के साथ मेरा उठना बैठना होता है, क्योंकि मैं स्वयं ही रोज 100-200 लोगों के बीच में घिरा रहता हूं। सुबह से शाम तक मुझे अपने कार्य से परे किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं होती है। लेकिन व्यथा होता है कब, जब हम उजाले में बैठकर और अंधकार की बातें करते हैं। महज आज से 9 साल पहले इस मई जून जुलाई के महीने में पांच पांच दिन तक बिजली के दर्शन नहीं होते थे। आ भी जाती थी तो वोल्टेज नहीं मिलते थे, पंखे नहीं चल पाते थे। कितना दुर्भाग्य का समय था। हम गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले चंदा इकट्ठा करते थे, कहीं तार जल गया, कहीं ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जलने के बाद महीनों महीनों ट्रांसफार्मर न होने की बात कह हमें बेसुध लौटाया जाता था जिले से। क्या वो दिन हम भूल गए? आज 47 और 48 डिग्री के पारे में न बिजली जा रही है न वोल्टेज कम हो रहा है। कहीं कहीं वोल्टेज की प्रॉब्लम होती होगी लेकिन बिजली नहीं जा रही है। यही सरकारें थी, यही बिजली घर थे और यही सारी व्यवस्थाएं थी। आज हमें सुकून से पंखे की हवा मिल रही है। रात दिन हम सुकून से चाहे ट्रेन में, चाहे स्कूटर में, चाहे बस में, चाहे मंदिर में कहीं जाके घूमते हैं, किसी बम ब्लास्ट होने की कोई दिक्कत नहीं होती। दुख तो तब होता है जब कहते हैं कि देश को बेच दिया गया। यही रेलवे है, कचड़े से भरा रहता था, ट्रेनों के आवागमन की कोई टाइमिंग नहीं होती थी, नए किसी ट्रेन की आने की सूचना नहीं होती थी, वही पुराने टूटे फूटे ट्रेनों में हम यात्रा करते थे, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। आज 10 सालों में ऐसा क्या हो गया? अच्छी ट्रेनें आ गई, तेजस आ गई, बहुत सारी ट्रेनें हैं, वंदे भारत आ गया, ट्रैक वही है, स्पीड बढ़ गया, कम समय में पहुंच रहे हैं, गोरखपुर और कुशीनगर जैसे हवाई यात्राएं करने को मिल रही हैं, एम्स जैसे संस्थान गोरखपुर में आ गया, मेडिकल जैसे संस्थान देवरिया में आ गई। आज हम कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। हमें शिकायत उन लोगों से है जो कहते हैं कि सरकार आने पर हम संपत्ति का बंटवारा करेंगे, जिसके पास ज्यादा है खून पसीने कमाई उसमें से बांटकर गरीबों में बांट देंगे। ठीक कहा है आपने, लेकिन इससे पहले अपने गिरेबान में झांक लें आप। इस भारत में आर्मी सेना के बाद दूसरी कोई बड़ी जमीन किसने लूटा है तो वह था वक्फ बोर्ड। था नहीं, वह है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है जमीन के रूप में, उसको तो आपने बांटने की बात नहीं कही। हमारे प्रिय भाइयों बहनों, माताओं बहनों, सबको मैं बोल रहा हूं, किसी को पता नहीं है, मुझे बहुत गोपनीय और सच्चे तथ्य की बात कर रहा हूं, जो सरकारी आंकड़े को देखने और जानने के बाद, चूंकि मेरे पास बहुत सारे अफसर बैठते हैं, देवरिया सुभाष चौक से लेकर कैनरा बैंक और उस बीच में कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे की जमीन जो है देवरिया में, जिस देवरिया का हृदय है, वह वक्फ बोर्ड के नाम की जमीन है। आप खरीद तो सकते हैं, रजिस्ट्री भी होगी आपके नाम से, लेकिन लिखा जाएगा कि जिस दिन वक्फ बोर्ड चाहेगा आपसे एक दिन में खाली करा लेगा, और उसका कर आपको देना पड़ता है वक्फ बोर्ड को उस जमीन का। ऐसे ऐसे जमीन करोड़ों करोड़ों हजार की लाख हजार की
हर जिले में है, केवल देवरिया में ही 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि मैं सर्वप्रथम इस देश से हिंदुओं के द्वारा हिंदुओं की जमीनें कुछ विशेष लोगों के द्वारा लूटी गई है जो वक्फ बोर्ड के नाम से है। सबसे पहले मैं उस जमीन को, देश को, राष्ट्र को, जिले को या किसी गरीब असहाय दलितों को मैं बांट दूं ताकि गरीबी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी जी या कांग्रेस के मेरे अजीज, मेरे प्रिय लोग भी बहुत सारे कांग्रेस में है, सपा में है, बसपा में है, भाजपा में है, ये कोई आवाज नहीं उठाता। पहले देश की संपत्ति जो विशेष जगह पे है और किसी काम की नहीं है, न उससे कुछ राष्ट्र को फायदा है, न उससे किसी समाज को फायदा है, न उससे किसी आम विशेष व्यक्ति को भी फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूं उस जमीन के मेरे मुस्लिम भाइयों को ही बांट दिया जाए जो काफी गरीबी में जी रहे हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, न शिक्षा है, न घर है, न व्यवसाय है। एक एक कट्ठा बांट देने से ना 500-500 स्क्वायर बांट देने से कम से कम हजारों मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, दलितों भाइयों को उसका लाभ मिल जाएगा। पसीने की कमाई हुई संपत्ति को आप छीन लेंगे, आप तो वही अक्रांता हो गए जो कभी हिंदू राष्ट्र इस भारत में आकर के हमारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, अक्रांता होकर के हमारी अस्मत लूटी गई, हमारी जमीनें लूटी गई, हमारे धन दौलत लूटे गए। अब फिर आप उन्हीं की बात करने लगे अपने मुंह से कि आपकी जमीन छीन करके हम गरीबों में बांट देंगे, ये क्या की नैतिकता है और क्या फेस्टिवल है। राहुल गांधी जी, मेरे कांग्रेस के भाइयों, इस पे विचार करो। सुकून से सब लोग रोटी खा रहे हैं, आपके अंदर काबिलियत है ना तो काम भी कमी नहीं है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया होके आया हूं 15 दिन पहले, वहां जाने पर क्या इज्जत होती है भारतीय होने का, लोग कहते हैं ओ यू आर इंडियन, आई प्राउड ऑफ। इससे पहले हमें कीड़े मकोड़े जैसा समझता था। मैं 3 देशों की यात्रा कर चुका हूं 2-3 साल के बीच में, और क्या इंडियन होने, भारत होने का क्या गर्व है जब इस बॉर्डर से हम बाहर निकलते हैं, सीमा से भारत के, मुझे महसूस होता है कि मुझे मोदी ने क्या दिया, मुझे इस राष्ट्र ने क्या दिया है 10 सालों में। आज रातों दिन मां बहनें सुकून से घूम रही हैं, कहीं बम नहीं फट रहा है, कहीं चोरियां नहीं हो रही हैं, किसी सुनार के दुकान में बंदूकें नहीं चलती, किसी के सुने नहीं लूटे जाते। नहीं तो देवरिया, गोरखपुर तमाम तरह से क्या लूट ली गई, बंदूक से गोली मार दी गई, इतने जेवर गायब हो गए, और होते भी हैं तो 36 घंटे 48 घंटे 15 दिन के अंदर वह चोर पकड़ा जाता है। आखिर में कहां से सब हो गया? आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो आप अकेले में बैठ के चिंतन करिए। आज जो सड़क मिली है, आज जो बिजली मिल रहा है, आज जो किसानों को सम्मान निधि मिला है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनते ही लाखों किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया, भूल गए आप लोग? क्या यही हमारी नैतिकता है, गाली देना? 10 सालों में क्या परिवर्तन हुआ किसी को दिखता नहीं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, ये दोष मेरे निजी स्वार्थ में कि जो कीड़ा मेरे मस्तिष्क में घुस चुका है ना, उसी का है। हम साल का लाखों रुपए टैक्स देते हैं, न मुझे राशन मिलता है, न मुझे फ्री की बिजली मिलती है, न मुझे कोई सरकारी सुविधा मिलता है, फिर भी हम, मेरा राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो कोई नहीं। आने वाली पीढ़ी के लिए सशक्त राष्ट्र चाहिए, पीढ़ी आने वाले समय में किसी को रोजगार की कमी नहीं होगी। आप सोचो 1985 से 1990 तक हर घर में 5-5 बच्चे होते थे, 6-6 बच्चे होते थे एक व्यक्ति को, आज हर व्यक्ति 1 से 2 बच्चे के ऊपर सोचता नहीं है। आने वाले 2 दशक में जब 2 पीढ़ियां खत्म होंगी, आपका जनसंख्या कहां जाएगा? सीधे घट के आधी हो जाएगी। काम तो इतना होगा, करने वाला नहीं होगा। लेकिन उससे पहले सशक्त राष्ट्र चाहिए, सशक्त नेतृत्व चाहिए। मैं 400 पार तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब की बार मजबूत सरकार कहूंगा। जो भी सरकार आए, फुल मेजोरिटी में आए, उसके पास निर्णय लेने की क्षमता हो, कश्मीर से 370 हट जाए, कोई दंगा ना हो, इस सनातन की धरती पर मंदिर बन गया, किसी को एतराज ना हो, अयोध्या में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई बनकर के कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई दंगा नहीं है, वहां के मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और हम आज क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत व्यथा है। मैं किसी से वोट की अपील नहीं कर रहा हूं कि आप भाजपा को वोट दें, सपा को, जिसको मर्जी वोट दें, लेकिन चिंतन करना चाहिए। हमारी पत्नी कहां सेफ है, हमारे बच्चे कहां सेफ हैं, हम कहां सेफ हैं, हमें 2 वक्त की नमक रोटी ही कैसे चैन से मिल रही है, हमें
शाही पनीर खा करके और दुर्दशा के जीवन जीना है या नमक रोटी खा के सुकून का जीवन जीना है। हर किसान को 2000 रुपए मिलते हैं, खाद बीज उस कहीं से ला सकता है, उसके आधार पे बिजली बिल फ्री हो रहा है किसानों का। मेरे जानने वाले दर्जनों परिवार को 5 लाख रुपए की सहयोग राशि से उनकी जिंदगी बच गई। मेरे पास प्रमाण है, मेरे नजदीकी लोग हैं, नाम बता सकता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा, जिसको पूछना होगा मेरे पास आएगा, उनके घर चलूंगा, वो परिवार कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि गुजरात में किसी का हार्ट की सर्जरी हुई है, किसी के किडनी की सर्जरी हुई है, अब वो लोग इसी सम्मान निधि से 5 लाख रुपए के बीमा से उनका इलाज हो गया और बच के उनके जीवन चल रही है। और आने वाले समय में सभी बुजुर्गों को 5 लाख तक का फ्री, वो चाहे किसी जाति का हो, ये बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ सरकार मुझे नहीं देगी, मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं इस योग्य बनूं कि काम मेरे पास चल के आए, मुझे काम के पीछे न जाना पड़े। जय मां भारती, अधिक नहीं बोलूंगा मैं। इस मेरे बात से किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैंने सत्य बोला। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का मेंबर तक नहीं हूं और ना ही किसी नेता के साथ बैठकर प्रचार करता हूं। हमारे संबंध सभी पार्टी के लोगों से है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, मेरे सभी अजीज हैं, हृदय प्रिय हैं। लेकिन जो नीति की बात होगी उसे मैं सत्य कहूंगा, इससे नहीं बचूंगा कहने से। आप कोई भी हो, आप चिंतन करें कि हम क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। हमारा एक वोट राष्ट्र के और आने वाले भविष्य को बिगाड़ सकता है और हमारा एक वोट इस राष्ट्र को मजबूत नींव। वर्ल्ड में आज भारत की गिनती हो रही है। इंडिया एक उभरता हुआ वो सूरज है जिसकी तरफ सभी राष्ट्रों का दृष्टि है, अमेरिका तक का। यही पाकिस्तान हमारे प्रधानमंत्री को कहता था कि भारत का प्रधानमंत्री महिला है, उसे चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। आज कहे ना उसके हलफ से जुबान खींच ली जाती है, ये हमारा भारत है। और हम राशन की और नौकरी की राजनीति करते हैं। अरे नौकरी के लिए जो काबिल है उसे आज भी नौकरी मिल रही है, जो काबिल नहीं रहेगा उसे नौकरी नहीं मिलेगी। 10 सालों में हमें नकल की सर्टिफिकेट दिलाया गया। 2018 भाजपा सरकार यानी कल्याण सिंह के बाद पहली बार है कि शिक्षा में कम से कम सुधार आया है, सब लोग पढ़ने को मजबूर हैं, नकल माफियाओं का किस्सा खत्म हो रहा है, एक सिस्टम बदल रहा है जहां पैसे देकर नौकरियां मिल जाती थी। आप सचेत जाएं, आने वाली समय बहुत ही अच्छा है और बहुत ही भयावह है। आपका एक वोट इस भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त कर सकता है और आपका एक वोट इस भारत को स्वर्णिम युग दे सकता है। जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती।